अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ चिकंदर की फसल पे। तो आपको यहाँ पे बताऊँगा कि चिकंदर की फसल कौन से महीने में उगाई जाती है, इसके फ़ायदे क्या है, इससे क्या क्या चीज़ें हासिल होती थी। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था कि इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में चिकंदरों के बारे में बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आप यहाँ पे पहुँचा हूँ। आप देख सकते हैं, आपको ये हर तरफ चिकंदर नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे खेत है चिकंदर का। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वो होगी कि चिकंदर को उगाया कब जाता है, मतलब ये कौन सा मौसम होता है जब यहाँ इन चिकंदरों को हम उगाते हैं एक, और उसके साथ साथ दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चिकंदर के ऊपर कौन कौन सी मेहनत की जाती है, क्या क्या इस पर वर्क किया जाता है, इस पर मेहनत किस तरह की जाती है, उसको उगाने में कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं, तो वो भी बताऊंगा। तो दो चीज़ें होंगी। तो तीसरी जो पॉइंट है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन सा मौसम है जब ये प्रिपेयर हो जाता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि प्रिपेयर हो चुका है। तो ये आपको बताऊंगा कि कौन से मौसम में इसकी मतलब कि ये फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है और इसको करने के काबिल हो जाता है। नंबर चार पॉइंट, तो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि ये कहाँ कहाँ पे जाते हैं, फिर ये कौन कौन सी मेल इनको लेती हैं, फिर इनके साथ क्या प्रोसेस किया जाता है, और इसके इससे क्या क्या उगाए, इसे क्या क्या चीज़ें उगाई जाए बनाई जाती हैं। तो नंबर छः पॉइंट यहाँ पे आपको बताऊंगा कि फिर इनके फ़ायदे क्या होते हैं डेली लाइफ में, अगर हम इनको खाएं, खाने से क्या फ़ायदे होते हैं इसके, जो मतलब कि इस बंदा एक इंसान बीमारियों के कौन से इलाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इसको कब उगाया जाता है। तो पहला पॉइंट जो कि मैं आपको बताऊँगा कि इसको कब बोया जाता है, तो बोने के जो इसका प्रोसेस इस तरह होता है कि हम मिल्स वगैरह से इसका बीज लेते हैं। तो बीज किस तरह होता है कि इसके बीज को लेकर बीज वगैरह लिया जाता है मिल्स से, फिर उसको जो तकरीबन जो पहला पॉइंट मेरा यही था ना कि कब इसको उगाया जाता है, तो ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर इन महीनों में इसके जो वो के बोया जाता है, इसको मिल्स वगैरह इसका बीज मुहैया करते हैं, सीड मुहैया करते हैं, तो फिर यहाँ पे आकर इसको सीड जो मुहैया करते उसको यहाँ पे लगाया जाता है, तकरीबन नवंबर दिसंबर के महीनों में इसको किया जाता है। तो दूसरा मेरा पॉइंट था कि फिर इसके ऊपर मेहनत कौन कौन सी की जाती है, तो बताता चलूँ कि इसमें मेहनत इस तरह की जाती है कि जब इसको लगाया जाता है तो इस जैसे कि आप जानते हैं कि खेती बाड़ी में सारा इस तरह होता है कि इसमें ये जैसे आपको घास वगैरह नज़र आ जाता है और मतलब किस्म के इसमें ख़तरनाक बूटियाँ वगैरह होती हैं जो कि इसको डैमेज करती हैं और उसकी बढ़ोतरी में बढ़ोतरी की स्पीड को कम करती हैं। तो सबसे पहले उनको इनकी सफाई की जाती है, उनके अंदर से इनको काट लिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, और उसके अलावा इसको पानी टाइम पे मुहैया की जाता है। तो नंबर दो पॉइंट और नंबर तीसरा पॉइंट इसमें ये था कि तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि ये इसको फिर ये कब बड़े होते हैं, मतलब इसके उगने का काटने का टाइम कब होता है। तो नंबर तीन पॉइंट में ये बताऊँगा, तो ये जैसे कि अभी आप जानते हैं कि अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल के एंड में और अप्रैल के 15 अप्रैल से बाद तकरीबन अप्रैल के एंड में और अप्रैल मई के स्टार्ट में 5-10 दिनों में इसके सारा जो कटाई हो जाती है इसको मुकम्मल कर इसको उखाड़ लिया जाता है यहाँ से जमीन से, और फिर इसको उखाड़ कर फिर इसको उखाड़ कर फिर मुख्तलिफ़ किस्म प्रोसेस होते हैं इसको उखाड़ने के, हाथ से भी उखाड़ा जाता है, ट्रैक्टर वगैरह के हल से भी इसको उखाड़ते हैं, लेकिन हल वाला जो होता है वो डैमेज होने का खतरा होता है। तो यहाँ से इसको उखाड़ कर फिर उसको दी जाते हैं, फिर यहाँ मिल की तरफ भेजा जाते। तो जो चौथा प्रोसेस था कि मिल किस तरह मुहैया किया जाए, तो मुहैया किस तरह सैंड के मिल जो वगैरह यहाँ पे हमारे इलाके में है, जो कि हम मैं खान के इलाके में रहता हूँ, तो अलमीज़ मिल जो कि बेस्ट मिल हमारे साथ है, तो यहाँ पे अलमीज़ मिल में सेंड किया जाता है। ये पाँचवा पॉइंट था। तो चौथा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट ये था कि इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि चिकंदर से जो सबसे बेस्ट चीज़ बनाई जाती है वो है शुगर, चीनी जो होती है इससे बनाई जाती है। तो इससे चीनी बनाई जाती है, चीनी क्योंकि इसकी इससे करने के लिहाज से इसमें सब ज़्यादा चीनी उगती है। तो नंबर छः पर इसके अगर इंसान के खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, तो एक तो ये कि इंसान जब इसको खाता है तो उसके जल में जो भी
आइलिश आइलिश किस्म के जो उसके जिल्द होता है वो ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा दूसरा ये है कि इससे इसका एक दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे बंदे के खून जिसमें खून की कमी हो तो वो खून की कमी पूरी होती है। दूसरा इसका दिमाग तेज़ होता है और इसी तरह बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैंने आज की वीडियो में सब चीज़ें डिटेल से बताई हैं, 6 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताए हैं कि चुकंदरों के लिए कौन कौन से अहम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।